अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। भरवा शिमला मिर्च आज हम वेज में बना रहे हैं। आप इसके अंदर कोई भी सब्जी भर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने आधे किलो शिमला मिर्च ले लिया। एक किस्म आपको कट करके दिखा देते हैं। आपको इसे लेना है और इसे इस तरीके से कट करना है। अब ये देखिए हमने पहले से ही काट कर रखा था। इसे साइड रख देते हैं और जो इसमें है इसके छुरी से इस तरह कर देंगे चारों तरफ से इस तरीके से। और इसमें उंगली डालेंगे और निकल जाएगा आसानी से। बस ज्यादा खाली करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। हमने बाकी सब पीस कर रखे थे, एक आपको दिखाने के लिए रहने दिया था। तो आप ये देखिए जो बच गया है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। बीज में बहुत फायदेमंद होते हैं, बीज इसे भी काट लेते हैं हम। ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है, काट लेते हैं इसे। बाकी हमने पहले से ही काट के रख रखे थे, इसे साइड कर देते हैं और ले लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ले लेते हैं। ये जो पीस जिसका है वो फेंके ना आप, इसे ध्यान रखें। इन्हें इस तरीके से रख देते हैं सभी बाउल में। अब हम करेंगे ना मैरिनेट। अब देखिए हमने इस बाउल में शिमला मिर्च रख ली है, इसमें डाल देते हैं दो चुटकी जितना नमक। इसमें मैरिनेट करेंगे पहले। हमने इसमें दो चुटकी जितना नमक डाल दिया है। हमने एक नींबू का रस ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं इसमें। बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं आप, ये सब में ही कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। आप ये देखिए हमने इसमें सभी में नींबू का जूस और वो डाल दिया है नमक। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं एक बार और इसे साइड कर लेते हैं और इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। आप ये देखिए हमने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उन्हें फाइन चॉप कर लिया है और दो मीडियम साइज की प्याज ली थी, इन्हें भी फाइन चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपिंग तैयार होगी तो इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, टाइम चॉपिंग में ही लगता है ज्यादा। आइए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और दिखा दें हम आपको। हमने आलू ले लिए थे, उन्हें हमने बारीक बारीक काट लिए, कच्चे ही लिए हैं हमने। जो रह गए उन्हें भी बारीक बारीक काट लेते हैं कि उसमें हम इसकी इसे फिलिंग में भरने में टाइम काम लेंगे इसे हम। अब देखिए हमने सभी आलू काट लिए हैं, कर देते हैं साइड और बनाने की तैयारी कर लेते हैं शिमला में। सबसे पहले इसके लिए हम जो हमने आलू लिए थे हमने उसे स्ट्रेनर में रख लिया, इसका सारा पानी निकल गया है। अब इन्हें हम सबसे पहले कर लेते हैं डीप फ्राई। डाल देते हैं हमारा तेल हो गया है, सारे ही डाल देते हैं एक बार में। गैस को फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे से कर लेते हैं डीप फ्राई। आप ये देखिए हमारे आलू डीप फ्राई हो गए हैं, ये लाइट वेट से ही पता चल रहा है ये डीप फ्राई हो गए हैं। निकाल लेते हैं सभी को। आप ये देखिए हमारे आलू डीप फ्राई हो गए हैं, फिर भी हम आपको एक दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे आलू कुक हुए हैं। निकाल लेते हैं इन्हें एक बाउल में। तो देखिए हमने आलू को बाउल में निकाल लिया है। अब करते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी। आप देखिए हमने सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने 50 मिलीलीटर जितना ऑयल ले लिया है। अब जो हमने अनियन को फाइन चॉप कर देगा तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरीके से कर लेते हैं फ्राई। आप देखें हमारे अनियन लाइट गोल्डन कलर की हो गई है, हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। अब इसमें डाल देते हैं हम 2 टीस्पून जितना अनियन पेस्ट चाहिए गया, 2 टीस्पून अनियन पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून ही गार्लिक पेस्ट। इन 5 चीजों को डालने के बाद ये अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जब तक अनियन के साथ भूनते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। आप देखिए इसमें हमारे सभी मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं, हमने इसे कंटिन्यू चलाते गए थे और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब इसमें से हाफ निकाल लेते हैं, ये ऑयल हटा के निकाल लेते हैं बाउल में, जिसमें हमने आलू निकाल के गए थे उसमें ही निकाल लेते हैं। हमें हाफ छोड़ देते हैं ग्रेवी में, बस ये लिया हमने हाफ निकाल लिया और हाफ छोड़ दिया ग्रेवी में। इसमें ऐड कर देते हैं हम जो हमने टमाटर फाइन चॉप कर रखा था उसे ऐड कर देते हैं। और इन सब चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से भून लेते हैं जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं आपको। इसको कवर कर देते हैं लीड से और इसे कुक होने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर दिखाते हैं आपको। अब देखेंगे हमारे टमाटर हाफ टेंडर हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। हमने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है उसे ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है। आप रेड चिल्ली में टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप देखिए हमने सभी पाउडर मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इन्हें ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, 50 मिनट पानी डाल देते हैं। पानी से हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे और ये जलेंगे भी नहीं। अब इसे भून लेते हैं अच्छी तरीके से जब तक हमारे मसालों में से घी सेपरेट नहीं हो जाता। और हाँ, 1/2 टीस्पून इसमें डाल देते हैं नमक। ये लिया हमने इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड कर दिया है। नमक हम ग्रेवी तक ही डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च का नमक हमारे शिमला मिर्च में मौजूद है। इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। फिर दिखाते हैं आपको। हमारी ग्रेवी भूनने पे आ गई है। अब जो हमने इसमें बीज काट के रखे थे शिमला मिर्च के, वो इसमें ऐड कर देते हैं और वो ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर से कुक कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए।
ये भी हमारी ग्रेवी भुनकर हो गई है तैयार। इसमें से हाफ निकाल लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ ग्रेवी इसमें ही छोड़ देते हैं। ये लिया हमने हाफ, इसमें ग्रेवी निकाल ली है और इसमें दोबारा से डाल देते हैं हम 50 मिलीलीटर का पानी। और पानी ऐड करने के बाद इस बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। दोबारा से फिर दिखाते हैं आपको। ये जो हमने ग्रेवी इसमें निकाल के रखी है इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्चें। आप ये देखिए हमने इसमें 1/2 छोटी चम्मच जितना कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छी तरीके से इन सब चीजों को कर लेते हैं मिक्स। अब देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, इसे कर देते हैं साइड और ले लेते हैं अपनी शिमला मिर्च। ये रही हमने शिमला मिर्च ले ली है। इसमें जो नींबू है ये स्टेप है बहुत जरूरी, आप ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो हमने स्टफिंग लेकर रखी है उसे इसमें भर ले लिया हमने एक चम्मच और चम्मच से भर लेते हैं इसमें बिल्कुल स्टफिंग। अगर आप डीप फ्राई आलू नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। अगर आपके ये बच जाए तो घबराए ना, ये आप ग्रेवी में डाल सकते हैं क्योंकि मसाला भी हमारा भुन ही रहा है। थोड़ी टाइट ही भरते हैं बिल्कुल, ये देखिए हमने भर ली है बिल्कुल टाइट और इसी तरह बना के कर लेते हैं सभी तैयार। फिर दिखाते हैं आप, हम शिमला में भर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखा देंगे। हमने सही भर के तैयार कर ली है ये और एक और बची थी इसे ही भर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। फिल्म थोड़ी टाइट ही भरेंगे इसका। ये रिया हमने इसे भर लिया, इसका ही ऊपर का है जिसपे फिट आ गया। अब ले लेते हैं दाही गिट्टी, दिखाते हैं आप। आप ये देखें कि हमने एक सफेद दाही गिट्टी ले ली और 3-4 पानी से इसे धो लिया है। इसे पकड़ेंगे और इस पर अच्छी तरीके से इसे पकड़ के इतनी टाइट तरीके से बांध देंगे ताकि इसमें से ग्रेवी हमारी बिल्कुल भी ना निकले। अब ये देखें किस तरीके से करना है इसे। ये रिया हमने इसे बांध के तैयार कर दिया। ये धागा लेंगे और इसे इस पर बिल्कुल चिपका देंगे। इसी तरह सबको कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप। आप ये देखिए हमने सभी शिमला मिर्च पर अच्छी तरीके से धागा बांध दिया है। अब कर लेते हैं ना डीप फ्राई, दिखाते हैं आपको। आप देखिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। इसमें रख देते हैं शिमला मिर्च, बहुत ही आराम से रखेंगे और गैस करते हैं रखेंगे हाई फ्लेम पे ही। इसमें दोनों तरफ अच्छे से निशान आएंगे, सभी को रख देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और ऑयल भी हमारा बहुत हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। देखिए इसी तरह होने देते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। आप देखें कि सीखते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे टाइट कर देते हैं बहुत ही एहतियात से। आप देखें कितनी बढ़िया सा इसका कलर आया है। इसी तरह कर लेते हैं सभी। आप देखें हमने इसके साइड चेंज कर दिया और एक साइड से कितना बढ़िया सा इसका आया है कलर। दूसरी साइड से भी ऐसे ही कलर आने देते हैं, 1-2 मिनट में ही आ जाता है ऐसा कलर। आप ये देखिए सिक्कर हो गई है तैयार। इसे निकाल लेते हैं और कर लेते हैं इसे ग्रेवी में डालने की तैयारी। आप देखिए हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हमने एक लकड़ी का मैशर ले लिया है और इसे ग्रेवी को मैश कर देते हैं। मैश करने से क्या होगा कि हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अभी हमारे टमाटर खड़े हैं, मैश करने से बिल्कुल फाइन ग्रेवी बनकर होगी तैयार। आप ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है ये, इससे इसका टेस्ट आता है बहुत बढ़िया। और मिक्स कर देते हैं और स्लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेते हैं 1.5 से 2 मिनट के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। आप भी देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनकर हुई है तैयार। अब गैस का फ्लेम करते हैं बिल्कुल स्लो और स्लो फ्लेम पे। इसमें जो हमने शिमला मिर्च ऐड करके रखी, शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी, उन्हें ऐड कर देते हैं। आप देखिए हमने इसे ग्रेवी में ऐड कर दिया है। ग्रेवी में ऐड करने के बाद इसके ऊपर ग्रेवी ऐसे डाल देते हैं और इसे लिड लगा के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए इसकी स्टीम में ही, और गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। फिर करते हैं इसे डिश आउट, दिखाते हैं आपको। ये रही हमारी शिमला मिर्च बनकर तैयार हो गए। हमने इसे भाप में ही छोड़ दिया था इसकी। अब कर लेते हैं इसे डिश आउट। ये रही हमने अपनी शिमला मिर्च को डिश आउट कर लिया। एक हम आपको काट के भी दिखा देते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि आपने काट के तो दिखाया ही नहीं। ये रही हमने एक शिमला मिर्च ले ली है। ये रही हमने एक धागे का सिरा लिया और आराम से छुरी से इसे काट दिया। साइड कर देते हैं इसे, बिल्कुल हटा देते हैं। ये देखिए कितनी मजे की, इसे हम काट के दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी बेहतरीन हमारी शिमला मिर्च बनकर हुई है तैयार। ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी भरवा शिमला मिर्च, इसे साइड कर देते हैं और इसे ले लेते हैं। ये लीजिए हमारी शिमला मिर्च बनकर तैयार है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है और आपको एक काट के भी दिखाई। कितनी मजे की और कितनी बेहतरीन हमारी शिमला मिर्च बनकर तैयार हुई है। आप रेसिपी जरूर से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं। चैनल जायका दिल्ली के तरीके से बनाएं। हमारे डिश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।